वेलकम फ्रेंड्स, कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग घर के लिए या फिर कार खरीदने के लिए या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, तो उस लोन के ऊपर हमको किस्तें चुकानी होती हैं, ईएमआई देनी होती है, तो वो ईएमआई या फिर वो किस्तें हम किस रेट पर कितने समय के लिए कितनी दें पर मंथ हमने कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम फ्रेंड्स ईएमआई का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको पीएनटी फॉर्मूले के बारे में बताएंगे कि कितने लोन अमाउंट के ऊपर कितने समय के लिए हमको किस दर से कितनी ईएमआई चुकानी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, हम पीएनटी फंक्शन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे तीन टेबलें ली हैं, मैं तीनों टेबल्स के ऊपर बारी बारी से आपको ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए पीएमटी फंक्शन बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर हम महीने के अंत में किस्त देते हैं, अगर हमारी ईएमआई मंथ के एंड में होगी तो हमको कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ली है 10 लाख रुपये, हमने 10 लाख रुपये होम लोन लिया और उसके लिए डाउन पेमेंट हमने दी है 1.5 लाख रुपए, जिस पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 14% वार्षिक होगा। फ्रेंड्स, ये 14% वार्षिक ब्याज के हिसाब से हमने 5 साल में ये किस्तें चुकानी है, तो हमारी ईएमआई कितनी हुई वो हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, वो सेल हम यहाँ पे लेंगे। ये हमारा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 1 साल का है, साल के 14% है, हमको मासिक किस्त देनी है, तो हम इसको डिवाइड बाई 12 कर देंगे, 12 से भाग कर देंगे, तो हमारी एक महीने का हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोमा। दूसरा पूछ रहा है ये NPER, इसका मतलब होता है नेट पीरियड, जो हमारा पीरियड कितना है वो हमारा 5 साल का है, हम ये वाला सेल लेंगे 5 वाला और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि हमने पर ईयर 12 महीने के हिसाब से हमने ईएमआई चुकानी है, कोमा। उसके बाद पूछ रहा है हमारा पीवी, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू जो हमने ली हुई है वो हमारी 10 लाख रुपए है, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू ली है, लेकिन इसमें हमने 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिए, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे ये 1.5 लाख रुपए। तो हमने फंक्शन लगाया, आप देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि हमने सबसे पहले तो लिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो हमारा ईयरली था, इसको हमने मंथ वाइज बनाने के लिए 12 से भाग किया। उसके बाद हमने इसके नेट पीरियड जो हमारा 5 साल का था, इसको हमने 12 से गुणा कर दिया, तो हमारा ये 60 महीने का हो गया। और उसके बाद हमने लिया है इसकी टोटल वैल्यू, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो 10 लाख रुपये है, जिसमें 1.5 लाख रुपये हमने माइनस कर दिए, क्योंकि ये डाउन पेमेंट हम दे चुके हैं, और अब एंटर यूज़ करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये दिखा रहा है डॉलर्स में, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। आप ऊपर देखोगे यहाँ पे हमारी करेंसी के नीचे यहाँ पे कोमे के निशान से इसका कोमा स्टाइल, इसको हटा देंगे तो हमारी ये ईएमआई कैलकुलेट करके दिखाएगा, 19,778 रुपये हमको मासिक चुकानी पड़ेगी। क्या दोस्तों ये तो ईएमआई हो गई हमारी, अगर हम महीने के एंड में ईएमआई जमा करते हैं, अगर हमको महीने के शुरू में ईएमआई जमा करनी है तो उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। हम करेंगे इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, वही सेम टू सेम हम चलते चले जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक 12 कोमा हमारा पीरियड मल्टीप्लाई 12 कोमा हमारी वैल्यू माइनस हम डाउन पेमेंट कर देंगे, इतना हमने
इस वाले फंक्शन में कर लिया था, उसके बाद हमने महीने का शुरू का निकालना है। तो ये अब पूछ रहा है हमारा दोस्तों FV, FV होता है हमारा फ्यूचर वैल्यू। ये ऑप्शनल होती है दोस्तों, हम डालें या ना डालें। हम डायरेक्ट डालते हैं कोमा, इसके लिए जीरो कोमा। दोस्तों अभी हमने इसको ये बताना है कि हमने ये जो वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट करनी है। मंथ के अगर एंड में हम पेमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे जीरो डालते हैं, अगर महीने के शुरू में हमको यहाँ पे पेमेंट करनी होगी तो हम यहाँ पे एक डालेंगे दोस्तों, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर यूज करेंगे। तो ये जो हमारी ईएमआई आएगी, ये वो वाली ईएमआई आएगी जो हम महीने के अगर शुरू में किस्त देते हैं तो हमको 19,549 देनी पड़ेगी, और अगर हम महीने के एंड में किस्त डालते हैं तो हमको 19,778 रुपये मंथली या मासिक चुकाना पड़ेगा। अब आ जाए दोस्तों, अगर हम कार खरीदते हैं तो सिंपली हम ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे। तीसरी टेबल हमने व्हीकल के नाम से बनाई है। कोई भी अगर हम व्हीकल परचेज करते हैं, वो व्हीकल हमने परचेज किया मानो हमने 5 लाख का, और उसकी डाउन पेमेंट हमने जमा करी है 1 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इस बार ईयरली नहीं मासिक लेके चलते हैं। मासिक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 5%, और हमने ये कितने महीनों में जमा करनी है हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये किस्त हमने 24 महीनों में जमा करनी है। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इज इक्वल टू PMT ब्रैकेट स्टार्ट, हमने ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस बार हमको यहाँ पे डिवाइड बाई 12 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे 24 मंथ्स डाले हैं, ना कि हमने ईयर डाले हैं, इसलिए सीधा हम कोमा यूज करेंगे। उसके बाद हम पीरियड ले लेंगे, 24 मंथ्स हो गया, कोमा हमारी टोटल वैल्यू जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू वो, और उसमें से हम डाउन पेमेंट लेस कर देंगे और एंटर यूज करेंगे। तो ये हमारी जो ईएमआई आ गई, ये ईएमआई हमारी मंथली 28,998 रुपये हमको उसकी किस्तें चुकानी पड़ेंगी जो 24 महीने में पूरी हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपने एक बार ये अगर ये फंक्शन लगा के छोड़ दिए तो उसके बाद हम किसी भी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहीं पे अगर हम इसकी जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू उसको चेंज करके देखते हैं, हम 10 लाख की बजाय यहाँ पे इसको 25 लाख कर दें और एंटर यूज करेंगे तो ये तुरंत उसकी ईएमआई कैलकुलेट करके दिखाएगा। ऐसे हम किसी भी टेबल पे अगर उसकी वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट या पीरियड चेंज करेंगे तो हमारी ईएमआई ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। फ्रेंड्स ये तो फंक्शन था जब अगर हमने डाउन पेमेंट फिक्स कर ली और उसकी ईएमआई कैलकुलेट करनी है। अगर हम ये चाहें कि हम ईएमआई फिक्स कर लें कि हमको ईएमआई इतनी ही भरनी है तो उसके लिए डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन करने के लिए हम एक फंक्शन और यूज करते हैं जिसका नाम है गोल सीक। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इस टेबल को यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ कॉपी करके, और एक डुप्लीकेट यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमने ईएमआई फिक्स करनी है, ना कि डाउन पेमेंट। हमने इसमें तो कैलकुलेट किया था कि डाउन पेमेंट करने के बाद हमने ईएमआई कितनी देनी है। अब हम यहाँ पे करेंगे, ईएमआई हमने फिक्स कर ली कि हमने यहाँ पे 50,000 ईएमआई देनी है तो हमारी डाउन पेमेंट क्या होगी। उसके लिए हम इस ईएमआई वाले सेल पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम डाटा में जाएंगे, डाटा के अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा व्हाट इज एनालिसिस, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद नज़र आएगा आपको गोल सीक, गोल सीक को सिलेक्ट कर लें, और सबसे पहले आता है सेट सेल, यहाँ पे दिखा रहा है C20। अगर नहीं दिखा रहा हो दोस्तों तो हम ये वाला जो ईएमआई वाला सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका एड्रेस डालेंगे। दूसरे नंबर पे ये दिखा रहा है टू वैल्यू कि हमको कितनी ईएमआई चुकानी है, हम वो ईएमआई यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि हमको इसके लिए 50,000 रुपये मंथली चुकाने हैं, हम ये ईएमआई फिक्स करेंगे तो उसके लिए हमको कितना डाउन पेमेंट देना होगा तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम ये वाला सेल ले लेते हैं डाउन पेमेंट का, और इसको हम ओके कर देंगे फ्रेंड्स, और ओके यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पे
3,51,149 रुपए यहाँ पे डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। ईएमआई हमारी फिक्स हो गई, 50,000 रुपए हमको ईएमआई देनी है। कब देनी है? ये महीने के एंड में। अगर महीने के शुरू में हम ये 50,000 ईएमआई दें तो हमको डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा उसके लिए, अब हम इस टेबल को एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। मैं इसी टेबल पे आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम सेम टू सेम डाटा के अंदर जाएंगे, वहाँ से व्हाट इफ एनालिसिस फंक्शन को यहाँ से चुनेंगे और गोल सिक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है वही दोस्तों हमारा सेट सेल, हमारा सेल पहले ही सेट है। अगर नहीं किया हो तो हम यहाँ पे ये सेल एड्रेस डाल देंगे। फिर हम वैल्यू चुनेंगे कि हमको कितनी ईएमआई सिलेक्ट करनी है। हम यहाँ पे 50,000 सेट कर दिया, इसको ब्रैकेट्स में ही डालना होगा दोस्तों। फिर आ जाता है हमारा बाय चेंजिंग सेल, वो हमने इसको चेंज करना है डाउन पेमेंट को, और ओके करेंगे और फिर से ओके करेंगे। तो इस बार ये दिखा रहा है दोस्तों हमारा 3,26,079 रुपये हमको डाउन पेमेंट देनी होगी। कब देनी होगी? जब हमको अगर महीने के शुरू में अगर हम ईएमआई भरते हैं और महीने के आखिरी में ईएमआई भरेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, इसको फिर से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। डाटा में गए, गोल सिक, और यहाँ पे हमने डाल दी वैल्यू। और चेंज सेल हमने ये वाला ले लिया और ओके ओके। इनको हम राउंड फिगर में कर लेते हैं दोस्तों, तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। राउंड फिगर के लिए मैंने बता रखा आपको, होम के अंदर आपको ये डिक्रीज और इंक्रीज डेसिमल दिखाई देंगे, तो हम यहाँ से डेसिमल्स को डिक्रीज कर देंगे। हमको राउंड फिगर बिल्कुल नहीं चाहिए, और इसके लिए भी। तो अब साफ साफ नज़र आ रहा है हमारे पास, अगर हम महीने के आखिरी में अपनी ईएमआई भरते हैं तो हमारी डाउन पेमेंट कैलकुलेट आ रहा है हमारे 3,51,149। अगर हम महीने के शुरू में ईएमआई भरते हैं तो हमारा डाउन पेमेंट होगा 3,26,079 रुपये। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमारा ये फंक्शन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी यूज़ का काफ़ी पावरफुल फंक्शन है, आपको बहुत काम आएगा। जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस में काम करते हैं, आप अगर घर पे हैं, प्राइवेट हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, और आपने कोई कार या बच्चे के लिए स्कूल पढ़ाई के लिए लोन ले लिया या फिर आपने होम लोन ले रखा है, तो आप उसकी ईएमआई आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसकी डाउन पेमेंट कैलकुलेट करनी हो तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स।